नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पूर्व सांसद आनंद मोहन आज सहरसा जेल से रिहा तो हुए, लेकिन जिस प्रकार उनकी रिहाई पर सहरसा में जश्न की तैयारी थी, वो जश्न दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आनंद मोहन ने चुपचाप जेल से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। आनंद मोहन जिस समय सहरसा जेल से निकले या उनकी रिहाई हुई सुबह 4:30 बजे, उस समय ना तो उनका कोई समर्थक वहाँ मौजूद था और ना ही कोई मीडिया कर्मी, इसलिए आपने वो दृश्य नहीं देखे होंगे उनके जेल से निकलते हुए। ये एक अच्छा फैसला था, क्योंकि उनके समर्थकों के द्वारा सहरसा में जिस प्रकार से जश्न मनाने की तैयारी की जा रही थी, वो घातक भी हो सकता था, राजनीतिक रूप से उसका असर भी हो सकता था। तैयारी तो ये थी कि जब आनंद मोहन जेल से निकलेंगे तो हजारों गाड़ियों का काफिला होगा, घोड़े हाथी होंगे, गाजे बाजे का इंतजाम होगा। अब सोचिए, इस प्रकार के दृश्य अगर पूरे देश में दिखाए जाते तो उसका कितना व्यापक राजनीतिक असर हो सकता था। इसलिए आनंद मोहन ने यह फैसला किया कि वो चुपचाप जेल से बिना शोर शराबे के ही निकल जाएंगे। और जेल से जब वो निकले, उसके बाद वो कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। दिन भर मीडियाकर्मी उनको ढूंढते रहे सहरसा में, उनके आवाज़ पर पचगछिया उनके गाँव में, लेकिन वो कहीं दिन में नहीं मिले। शायद पिछले 2-3 दिनों से जो खबरें चल रही है और जिस प्रकार से बिहार सरकार के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से भी इस प्रकार के इशारे उन्हें होंगे, उनके निर्देश होंगे कि इस बात को ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए। यही कारण है कि पूरे बिहार से उनके समर्थक सहरसा पहुंचे हुए थे, लेकिन आनंद मोहन नहीं थे। ये भी एक विडंबना भी है, क्योंकि उनके समर्थक काफ़ी लंबे समय से उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे, और जब वो रिहा हुए तो कोई हुड़दंग ना हो जाए, कोई अव्यवस्था ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को समर्थक से दूर ही रखा। हो सकता है बाद में आने वाले समय में तो मिलेंगे ही समर्थकों से, लेकिन आज इस प्रकार का दृश्य उत्पन्न न हो। देखिए, ये मामला काफ़ी सेंसिटिव है, और चूंकि दलित से ये मामला जुड़ा हुआ है, दलित एक जो डीएम थे जी कृष्णैया, गोपालगंज के पूर्व डीएम, उनकी हत्या से ये मामला जुड़ा हुआ है, और उनकी हत्या के मामले में ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे आनंद मोहन। सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन करके उनको बाहर निकाला, और इस पर सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को आप देखेंगे तो बड़ा आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि जो लोग आनंद मोहन के साथ हुआ करते थे पहले, वो आज उनकी रिहाई पर सवाल उठा रहे हैं, और जो साथ नहीं थे वो उनके रिहाई का समर्थन कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण कोसी क्षेत्र में जो वर्चस्व की लड़ाई होती थी आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच में, आज पप्पू यादव उनकी रिहाई को सही ठहरा रहे हैं। 1990-91 में के बाद इन दोनों के बीच में जो अदावत कोसी क्षेत्र में और खासतौर पर मधेपुरा के इलाके में हुआ करती थी, उसके आज भी गवाह मौजूद हैं। लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि जो रिहाई हुई है वो कानून सम्मत हुई है, वो गुजरात में जो बिल्किस बानो के मामले में जिन अपराधियों की रिहाई हुई उस पर भी सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ रहे हैं आनंद मोहन 90 के दशक पे, 2000 तक,
बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर आनंद मोहन को, आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि उनके साथ जो और सजायाफ्ता कैदी रिहा हुए हैं उन पर सवाल उठाया जा रहा है। और एक कहा जा रहा है कि सरकार ने माई समीकरण के तहत यादव और मुसलमान कैदियों को छोड़ने का काम किया है। तो इस प्रकार की राजनीति चल रही है। लेकिन सबसे जो दुखद है वो ये है कि जो जी कृष्णैया का परिवार है जो तेलंगाना में रहता है, उस परिवार में जी कृष्णैया की पत्नी और उनकी बेटी की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो निश्चित तौर पर काफ़ी संवेदनशील हैं। और सरकार को अगर इस प्रकार का फैसला लेना ही था तो उसके जी कृष्णैया के परिवार से, उनके परिवार को विश्वास में लेकर इस तरह का फैसला लेना था, जैसे राजीव गांधी हत्याकांड में उनके दोषियों को, गांधी परिवार को विश्वास में लेकर उन्हें माफ़ी दी गई। तो ये चूक सरकार से जरूर हुई है। ये बात सही है कि सीधे तौर पर आनंद मोहन जी कृष्णैया की हत्या में शामिल नहीं थे, लेकिन ऊपर उसकाने का, भीड़ को उसकाने का आरोप था और उसी आरोप के तहत वो 15 साल से ज़्यादा जेल में रहे। आज बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने भी ये कहने की कोशिश की कि केवल उनके लिए ये मैनुअल में बदलाव नहीं किया गया है, बहुत सारे कैदी को इससे लाभ मिला है और पिछले 6 वर्षों से ये काम चल रहा था। 22 बैठकें हुई थी, 698 लोग छोड़े जा चुके हैं और कई सौ लोग और छोड़े जाने हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला एक राजनीतिक रूप ले चुका है ये पूरा मामला। और चूंकि चुनाव का समय है, चुनाव आने वाले हैं, तो इसके कारण भी इस मामले को और ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।